This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Again, my simple suggestion is that even if you see this recording of only 3 to 4 minutes, please listen to this recording 3 times. You will learn a lot of small things which are very important to make your paper a large one, a better one, an easier one. So it's going to make your paper very easy if you will listen to these things nicely. So I'm just going to go through this reading. So first of all, always read the question. Whether it is part B or C, strategy remains the same. Read the question. All of the following are true of the hair of the dog, except that, to matlab pehle likh do, false dhoondna hai. To simple kar do, apne mind mein sabse pehle asaan karo. Aapko false dhoondna hai, hair of the dog ke liye false kya hai. Kyunki dekho, all of the following are true. Ye sare true hain, except that it. To aapko ek false dhoondna hai, ki hair of the dog jo bhi hai ye, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी है. बस अब अपने इस पे आ जाओ. हेयर ऑफ द डॉग. जॉन सेड दैट द हेपेटिक अल्कोहल डिहाइड्रोजनाइज आइसोएंजाइम्स ब्रेक डाउन मेथनॉल इन द बॉडी. तो ये जो एंजाइम होता है ADH, ये मेथनॉल को तोड़ देता है बॉडी में. बिकॉज दिस ड्रग 4MP इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ दीज एंजाइम्स. एक मेडिकेशन है, एक ड्रग है, शायद हेयर ऑफ द डॉग इसी की बात कर रहा है शायद. इट शुड क्योर हैंगओवर्स, ही सेड. Jones' hypothesis may help to explain some popular beliefs about the ill effects of excess drinking. For instance, hair of the dog. तो यहाँ पे मेरा first time आया, तो यहाँ तक तो मेरे को जरूरत ही नहीं है topic की. For instance, the hair of the dog, a drink. तो ये एक drink का नाम है. अब जाके हमें पता लगा. The next morning is said to be a short-term cure for a hangover. तो सबसे पहली बात तो है, जो hair of the dog है, ये एक drink है और hangover को ट्रीट करती है, क्योर करती है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए. इट वर्क्स सेज इट का मतलब हेयर ऑफ द डॉग. इस ड्रिंक की बात हो रही है. दिस ड्रिंक वर्क्स सेज जोन्स बिकॉज द ड्रिंक लिफ्ट्स द लेवल ऑफ इथेनॉल इन द ब्लड. तो इसका पहला काम तो है ये ब्लड में इथेनॉल को बढ़ा देती है. वैसे मेरे को बाय चांस ऑप्शन दिख रहा है इंक्रीजिंग इथेनॉल, तो ये तो ये करती है, ये ट्रू हो गया. तो ए आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें फॉल्स ढूंढना है. तो वो मिथेनॉल को तोड़ना बंद कर देते हैं. वैसे तो इनका काम देखो ऊपर बताया था मिथेनॉल को तोड़ना है ADH एंजाइम्स का, बट इनकी हायर एफिनिटी इथेनॉल के लिए होती है, तो ये मिथेनॉल को छोड़ के इथेनॉल पे चले जाते हैं. However, it का मतलब ये ड्रग, ये ड्रिंक, it only postpones the inevitable hangover, he said. यानी जो ये वाली ड्रिंक है ये सिर्फ पोस्टपोन करती है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है डिले करती है. वंस द इथेनॉल, तो यही क्या है, डिले करती है बट डज नॉट क्योर. तो ये क्योर नहीं करती, इसको पोस्टपोन करती है. इनएविटेबल का मतलब जो हैंगओवर होना ही है, मतलब जो होना ही है हैंगओवर उसको होने देती है, बस सिर्फ पोस्टपोन करती है यानी डिले करती है. यानी ये दोनों ठीक हैं और ये वाला गलत है. इट्स सिंपल. प्लीज आप अपना डाउट पूछ सकते हो, जिनका भी ये क्वेश्चन डाउट था. सर गॉट इट, आई थिंक मैंने ना ट्रू वो कर दिया. कभी सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ, प्लीज सिंपल ऑलवेज राइट द पोस्ट फर्स्ट. ये छोटी अगेन मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, आपका पेपर कभी भी, अगेन आपको तो पता ही है सबको, आपका पेपर कभी भी इस वजह से नहीं रुकेगा कि आपके मुश्किल क्वेश्चन नहीं हुए. आपका पेपर जब भी रुकेगा इसी गलती के कारण रुकेगा कि आपने आसान क्वेश्चन को गलत किया. जैसे अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, आपको गलत नहीं करना चाहिए था और ये जबरदस्ती हुआ. सो अगेन प्लीज लिसन टू दिस 3 times, क्योंकि मेन बात इस पूरी इसमें टेक्निक्स होती है. मेन बात मैं आपको इस पूरी रीडिंग के छोटी सी वीडियो से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फॉल्स आ रहे हैं तो इसको फॉल्स लिख दो. लिखने में ही फायदा है, लिखने से ही याद रहेगा, नहीं तो इंसान एंजाइटी में भूल जाता है. सो प्लीज टेक केयर एंड प्लीज लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग 3 times. थैंक यू.